सप्ताह खत्म हो गया है और ट्राइम्प इंडिया के अंदर में वो नई बाइक लॉन्च कर दी है बजाज के साथ मिल करके, जो बजाज इंडिया में बनाएगा और बजाज इंडिया के अंदर बेचेगा। तो पहली बाइक है वो है स्पीड 400 एंड दूसरी बाइक है स्क्रैम्बलर 400X। दोनों ही बाइक एक सेम चेसिस से बिल्ड हैं बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आती हैं। अब तक इंडिया के अंदर ट्राइम्प जो बाइक्स बेच रहा था वो अराउंड 8-9 लाख से स्टार्ट होती थी और ऊपर की तरफ जाती थी, मगर अब बजाज के साथ जब कोलाबरेट कर रहे हैं तो उनको पूल ऑल ओवर इंडिया की रीच मिलेगी एंड बजाज की जो सर्विस नेटवर्क उसके बेनिफिट मिलेगी। तो इसके साथ मुझे लगता है कि इस बार ट्राइम्प की बाइक कुछ तहलका मचाने वाली है। तो जैसे ही बजाज का नाम आता है तो हमें पता है कि बजाज इज़ नोन फॉर बजट फ्रेंडली। तो मैं तीन चार लाख बजट फ्रेंडली तो नहीं कहूँगा बट उस सेगमेंट के अंदर में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, ये जरूर मैं आपको कह सकता हूँ। तो स्पीड 400 अपनी डिज़ाइन ड्राइव करती है स्पीड ट्विन 900 से और स्क्रैम्बलर 400X अपनी डिज़ाइन ड्राइव करती है स्क्रैम्बलर 900 से। इन दोनों बाइक के अंदर एक टीआर सीरीज का इंजन आता है तो 398cc का है जो कि 40 हॉर्स पावर्स बनाते हैं और 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करते हैं 6500 RPM के अंदर में। ये इंजन लिक्विड कूल्ड है एंड 6-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। इन दोनों के अंदर एक हाइब्रिड स्पाइन पेरिमीटर फ्रेम आता है जो कि ट्यूबुलर स्टील से बना हुआ है। दोनों एक ही चेसिस पे बिल्ड हैं बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। दोनों के अंदर मेटलर टायर्स आते हैं बट आई डोंट थिंक कि जब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होंगी तो इसके अंदर मेटलर टायर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटलर टायर्स की वजह से इनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी जो कि आई डोंट थिंक कि बजाज उस रूट में जाना चाहेगा, बट देखते हैं क्या होता है, वो बात की बात है। तो बात करें इन दोनों की सीटिंग हाइट की तो स्पीड 400 के अंदर में आती है 790mm की सीट हाइट वहीं पे, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंची है, तो स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आती है 835mm की सीट हाइट। दोनों के अंदर आते हैं अपसाइड डाउन 43mm सस्पेंशन जिसके अंदर में स्पीड 400 के अंदर में ट्रैवल है 140mm का वहीं पे ही, क्योंकि स्क्रैम्बलर 400X ज़्यादा ऊंची है तो इसलिए उसके अंदर आता है 150mm का ट्रैवल। वहीं पीछे की सस्पेंशन की बात करें दोनों के अंदर आता है मोनोसोक सस्पेंशन जिसके अंदर एक के अंदर आता है 140mm का ट्रैवल, दूसरे के अंदर आती है 150mm का ट्रैवल। दोनों के अगर टायर्स की बात करें तो स्पीड 400 के अंदर आते हैं 17 इंच के फ्रंट व्हील्स एंड बैक भी 17 इंच के हैं। वहीं पे स्क्रैम्बलर 400X के अंदर बात करें तो थोड़ी ऊंची है तो फ्रंट व्हील्स के 19 इंच के एंड 17 इंच के बैक व्हील्स हैं। अब बात करते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आते हैं ऑल LED लाइट्स, राइड बाय वायर, सुचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूअल चैनल ABS, इमोबलाइजर, टॉक असिस्ट क्लच एंड USB-C चार्जिंग एंड क्या क्या है पता नहीं, बहुत सारे फीचर्स है, देख देख के बताने पड़ रहे हैं। और इसके अंदर आता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आजकल हर कुछ डिजिटल कर देना फील नहीं आ रही, तो ये परफेक्ट ब्लेंड है डिजिटल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो ये था मेरे दोनों बाइक्स का इनिशियल इंप्रेशन। आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आती है जरूर कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कोई जाने पहचाने अगर बाइक खरीदने वाले तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मोटो हेड्स को सब्सक्राइब करें, इसके लिए पैसा थोड़ा ना लगता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।